जुम्मेदारों की लापरवाही से मायूस किसानों की फसलों का नहीं किया जा रहा है सर्वे। बीते कुछ दिनों तक लगातार बारिश से हुई फसलें खराब। कुदरत की मार से पीड़ित किसानों ने शासन प्रशासन से की मुआवजे की मांग। किसान की सरकार कहीं जाने वाली, भाजपा सरकार से अन्नदाताओं ने आर्थिक मदद की मांग की। लेखपाल द्वारा सही सर्वे न करने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। खबर हमीरपुर जनपद की, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे अन्नदाताओं ने सर्वे कराने की मांग की है। आपको बता दें कि तहसील राज क्षेत्र के किसानों ने बताया कि कई दिनों तक हुई बारिश से फसलें तबाह हो गई हैं, लेकिन अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। वहीं ग्राम ओडेरा निवासी राम गोपाल, राम प्रकाश, देवेंद्र, रविंद्र, मुलायम सिंह आदि किसानों का कहना है कि भारी बारिश से मूंगफली, उर्द, मूंग आदि की फसलें नष्ट हो गई हैं, लेकिन लेखपाल की मनमानी व अन्य कर्मचारियों की लापरवाही के चलते फसलों का सर्वे करने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का आरोप है कि लेखपाल ज्वाला प्रसाद के पिछले वर्ष रबी की फसल गेहूं, मटर, चना आदि की फसल अत्यधिक ओलावृष्टि से फसलें पूरी तरह तबाह हो गई थी, जिसका गांव के एक स्थान पर बैठकर लेखपाल ने मनमाने तरीके से सर्वे करके अपने चहेते बड़े किसानों का नुकसान सर्वे में दिखाकर मुआवजा दिलवा दिया था, लेकिन छोटे किसानों की फसलों का ना ही सर्वे किया और ना ही आज तक मुआवजा मिला है। इसलिए दुखी और बेबस किसानों ने लेखपाल के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए शासन प्रशासन से सही मायने में सर्वे कराकर आर्थिक मदद की गुहार लगाई है, ताकि अन्नदाताओं को रबी और खरीफ की फसलों का मुआवजा मिल सके। आपका क्या नाम है? देवेंद्र कुमार राजू। अच्छा, किस गांव से हैं आप? और ग्राम ओलेरा। अच्छा, जैसा कि लगातार कुछ दिन बारिश होती रही है, तो उसमें उर्द हो गई, मूंग हो गई और तमाम जो फसलें हैं उसमें भी नुकसान हुआ है, तो इस सरकार से क्या मांग है, क्या कुछ है, सर्वे हुआ है या नहीं हुआ है? अरे, किसान का तो इतना नुकसान है कि कम से कम 80% का नुकसान है। देखिए, ये फल्ली पूरी जल चुकी है, इसमें आधी फल्ली नीचे गिर गई, आधी सड़ गई, फल गई है। और हम ये चाहते हैं कि कम से कम यहाँ पे कोई सरकार का कर्मचारी सर्वे करने तो आए, लेकिन आज तक कोई सर्वे नहीं हुआ। ऐसी पिछली बार भी ओलावृष्टि में जो सर्वे हुए थे उसमें आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया कुछ किसानों को। अच्छा, रबी की फसल में जो ओलावृष्टि हुई थी तो उसमें कोई सर्वे नहीं हुआ था? सर्वे हुआ है, कुछ लोगों का हुआ, कुछ लोगों का नहीं हुआ। क्या उसका मुआवजा मिला आप लोगों को? हमको कई लोगों को नहीं मिला, कई किसानों को सर्वे नहीं मिला, उनको मुआवजा नहीं मिला इसका। क्या इस जो अभी बारिश हुई है, जो नुकसान हुआ है आप लोगों का, तो इसमें लेखपाल से बात हुई कुछ? हाँ, लेखपाल से कुछ लोगों की बात हुई है, उनने कहा, बताया कि वो कहते हैं कि अब केवल एक ही गांव नहीं है मेरे पास, बहुत से गांव हैं, उनको भी देखना है मुझे। क्या लेखपाल आपके गांव में सर्वे के लिए अभी तक आए? अभी तक तो हमने नहीं देखा कि सर्वे के लिए आया लेखपाल। क्या नाम है आपका? मुलायम सिंह। किस गाँव से? ओडेरा। क्या समस्या है आपकी? साहब, ये है कि हमें मतलब ये है ना, वो और उनको पैसा भी नहीं मिलू हमें, मतलब किस समय की बात है ये? ये अब वो ये जाड़न में मतलब जब मटर बबू तो मतलब जब मतलब ओरे गिर पड़ी थी हमारे खेतन में, जो मतलब हमारी मतलब सब नष्ट हो गए, तो मतलब मटर जो मतलब मुआयना किया उनने, हमारा नाम लिख लिया मतलब, और आज तक राहत नहीं मिली हमें कि, और सबको मिल गई है, कुछ लोग रह गए हैं 10-25 जने, उनको कुछ नहीं सुनता, और खाता भी दे दो, और खाता के मतलब भी ले गए हैं, और कह रहे कि पैसा अभी आई नहीं, और कुछ लोग उनको मिल गए, हम रह गए, हमारा भाई भी रह गया, इस भाई को टेंशन पड़ गई कि लेखपाल सुनते ही नहीं है, और चलो मुलायम सिंह चले पैसा ले, लेखपाल का कहा भी सुनते ही नहीं है। मतलब भाई को क्या हो गया था? हार्ट अटैक कहीं हो गए थे एकदम से, कि मतलब और वो 5 बीघा में मटर तो 5 में मोए तो 5 को भज्जा के में तो साफ मतलब सब साफ हो गए, तो टेंशन बढ़ी रही शरीर में, मतलब शरीर के अलावा फिर मतलब बस टेंशन करत करत दवाई कराई, वो कहला कुछ नहीं कि पैसा नहीं मिलो मतलब ऐसा खत्म हो गई, बस खत्म हो गई मतलब। अच्छा, बट टेंशन की वजह से फिर खत्म हो गए इलाज कराते हुए, और अभी जो बारिश हुई है अब है तो वर्दा ये नष्ट हो गए, और कोई मतलब वो नहीं है मतलब, अब क्या करें आप सवाल। क्या नाम है आपका? करण सिंह। किस गांव से हैं? ओडेरा से। क्या समस्या है आपकी? समस्या तो ये है कि बहुत बारिश भई है, और बहुत फसल भी सभी नष्ट हो गई है, 90% नुकसान है, अब
पानी भी बहुत गिरा है, पानी भरा है और कोई भी कर्मचारी कोई सुन नहीं रहा, न लेखपाल भी सुन रहा, कुछ सर्वे न कोई सर्वे हो रही। तो लेखपाल से बात हुई कुछ? लेखपाल बड़े बड़े किसानों को देखता है, छोटे वालों को कोई नहीं देखता। और ये भी सरकार की सरकार है ना, कोई कह रहे थे कि किसानों की हित की सरकार है, न कोई भी नहीं सुन रहा। क्या नाम है आपका? करम सिंह। किस गांव से है? से। क्या समस्या है आपकी? समस्या तो ये है कि बहुत बारिश भई है और बहुत फसल भी सभी नष्ट हो गई है, 90% नुकसान है और पानी भी बहुत गिरा है, पानी भरा है और कोई भी कर्मचारी कोई सुन नहीं रहा, न लेखपाल भी सुन रहा, कुछ सर्वे न कोई सर्वे हो रही। तो लेखपाल से बात हुई कुछ? लेखपाल बड़े बड़े किसानों को देखता है, छोटे वालों को कोई नहीं देखता। और ये भी सरकार की सरकार है न कोई कह रहे थे कि किसानों की हित की सरकार है, न कोई भी नहीं सुन रहा। संवाददाता अमित कुमार। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।